नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें वो ना करे तो भी चलता है। तो इसके अंदर ये तय होता है कि क्या करें क्या ना करें। सुबह सुबह जब भी आप उठते हो तो उसके अंदर सबसे पहले आपको ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों को देखना चाहिए, अपने दोनों हाथों को देखना चाहिए। हाथों के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान का वास होता है, तो लक्ष्मी जी का वास होता है। तो सबसे पहले अपने कर कमल हाथों को आपको देखना चाहिए। सुबह सुबह सबसे पहले उठ के हाथों को देखना चाहिए। जैसे ही आप हाथों को देखेंगे तो आपका दिन अच्छा गुजरता है। सबसे पहले सुबह सुबह अपने हाथों को देखना चाहिए। अब आप ये समझिए कि सुबह सुबह कितने लोग हैं वो हाथों को देखने की जगह सबसे पहले मोबाइल देखते हैं कि मेरा मोबाइल कहाँ है, तकिए के नीचे मोबाइल रखा है कि टेबल पे रखा है, कहाँ रखा है, विक्षिप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले सुबह सुबह अपने हाथों को देखना चाहिए और तुरंत सबसे पहले मोबाइल नहीं देखना चाहिए। मोबाइल कितने लोग घड़ी की तरह, टाइम की तरह देखते हैं कि टाइम कितना हुआ है, लेकिन अगर हो सके तो उठने के बाद सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए। अपने हाथों को अगर टाइम देख लिया फिर भी बाद में आपको देखना है तो सबसे पहले अपने हाथों को देखिए, यह नियम है। दूसरा नियम है कि सुबह सुबह जब से सबसे पहले जब आप उठते हैं तो उसके बाद आपको आपका लेफ्ट पाँव है, राइट पाँव है, आप जो भी साइड पे आप सोए हुए हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, जो भी हैं, या आपके बच्चे हैं, तो जो भी आप उठते हैं तो उठने के साथ सबसे पहले आपको ज़मीन को स्पर्श करना चाहिए। ज़मीन को स्पर्श करते हैं तो ज़मीन को स्पर्श करके माथे के ऊपर लगाना चाहिए। आप उतरते ही जैसे आपका लेफ्ट पाँव रखते हैं या राइट पाँव रखते हैं, आप लेफ्ट साइड पे सोए हैं और आपने अपना लेफ्ट पाँव रखा, लेफ्ट या राइट दोनों पाँव रखा, उसके बाद आप वो पाँव रखने से पहले आप माथे के ऊपर अपना ज़मीन को ऐसे स्पर्श करके माथे पे लगाइए, फिर पाँव रखिए। तो ज़मीन को स्पर्श करके माथे पे उस हाथ को ले जाइए और माथे पे ले जाइए यानी माथे के ललाट के ऊपर, यानी जहाँ पे आपका सहस्रार चक्र होता है वहाँ पे माथे के बीच में, दोनों आंखों के बीच में जहाँ पे आपका थर्ड आई होती है उसको स्पर्श कीजिए। और माथे के जहाँ पे पंडित लोग चुटी रखते हैं, यानी माथे के एकदम ऊपर वाले भाग पे जहाँ पे आप कभी आचमन लेके, पानी का आचमन लेके माथे पे लगाते हैं, उसको स्पर्श करना चाहिए। ये इतनी सी चीज़ें आप प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको कुछ चीज़ जो आपके लाइफ में शुरुआत से ही गलत हो जाती है वो चीज़ करेक्ट हो जाएगी। अब आप इस बात को इस तरह से समझिए कि जैसे आप कोई अच्छे काम के लिए निकल रहे हैं और किसी से आपका झगड़ा हो गया, आप निकले और निकलने के टाइम पे ही किसी व्यक्ति से, कचरा साफ सफाई करने वाले से आपका झगड़ा हो गया, या आप निकले उसी समय आपका कोई किसी पेपर वाले से झगड़ा हो गया, या आप निकले उसी समय आपका अपने घर के किसी सदस्य से झगड़ा हो गया, आप बोलते हो कि शुरुआत ही ख़राब हो गई, पूरा दिन कैसा जाएगा। उसी तरह से जब आप उठते हैं तो उठने के बाद आपके सारे देवी देवता सब आपकी सांसें, कि आपको तो मालूम ही नहीं है कि आप उठने वाले हैं तो आपकी सांस कंटिन्यूस है कि नहीं। जब आप उठते हैं तब आपको मालूम पड़ता है आप जीवित हैं, जब आप उठते हैं तब आपको मालूम पड़ता है आप जीवित हैं। तो जब आप जीवित हैं तो आपको तो मालूम ही नहीं है कि आप जीवित हैं कि नहीं है। जब आप श्वास आप उठते हैं तो आपको मालूम पड़ता है आपकी श्वास चल रही है, तब तक तो आप ऐसे मृत की तरह लेटे रहते हैं। तो जब आपकी श्वास चल रही है, जब आप जीवित हैं, तो उसके बाद आपको सबसे पहले अपने हाथों को देख के, जो विष्णु भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी जी, उनको प्रणाम करना चाहिए। आंखों से देख के प्रणाम करना चाहिए, दोनों हाथ को जोड़ लीजिए कि हे भगवान, आपने मुझे आज का एक और दिन दिया, उसके लिए धन्यवाद है।
दूसरा चीज़ कि फिर धरती पे पांव रखने से पहले धरती को स्पर्श कीजिए, माथे के अग्रभाग पे लगाइए और जहाँ पे आपकी चोटी बांधते हैं पंडित लोग, उस भाग को, माथे को स्पर्श कीजिए। जैसे कोई पूजा पाठ में जब आचमन करते हैं तब ऐसे लेके फिर माथे के ऊपर लगाते हैं, उसी तरह से आप उसको कीजिए। उसके बाद दोनों पांव रखिए तो आपका दिन का शुरुआत बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपने पृथ्वी देव और हाथ में आपके जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और लक्ष्मी जी, उनको आपने प्रणाम कर दिया तो आपका दिन अच्छा गुजरेगा। इतना सा कीजिए, आपको लाइफ में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको अच्छा अनुभव होगा और इसके अंदर कोई आपका पैसा नहीं खर्च होने वाला है। कि कोई आप हाथों को देखेंगे तो इसमें क्या आपके पैसे खर्च हो जाने वाले हैं? नहीं खर्च हो जाने वाले। आपके क्या कोई बैंक में से पैसा कम हो जाने वाला है? नहीं। आप ज़मीन को स्पर्श करके फिर खड़े होंगे तो क्या हो जाएगा, उससे आपका कोई पैसा खर्च हो जाए? नहीं। एक पहले से ही 5000 साल पहले से ही आई हुई संस्कृति है जिसको हम भूल गए हैं। हमारी सनातन संस्कृति है, हमारे वेदों में, हमारी जो भी ऋषि मुनि है, काफ़ी चीज़ें हमारे को पहले से ही जानकारी थी, पर हम धीरे धीरे जैसे मॉडर्न दुनिया की तरफ बढ़े तो हमने धीरे धीरे कुछ चीज़ें छोड़ दी। तो आप ये दोनों चीज़ को आप फॉलो कीजिए, उसके अंदर आपको एक अच्छा अनुभव होगा और जो भी लाइफ में आपके उथल पुथल है, चाहे वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हो, चाहे आपके घर में कलह हो, या चाहे आपके पारिवारिक जीवन में झगड़े होते हो, तो वो सब शांत हो जाएगा। ये चीज़ को आप फॉलो कीजिए तो बाकी सब अच्छा होगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, ओम नमः शिवाय, जय माँ गायत्री, जय माँ गायत्री, जय माँ गायत्री। Thank you.